हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश में लिखना पढ़ना भी नहीं आता, बिल्कुल ही लिखना पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो है, उनके लिए ये क्लास है। और वैसे लोगों के लिए भी है जो टीचर हैं। ओके फ्रेंड्स, ये टीचरों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी लोगों पे लागू करके देखा है और काफ़ी कारगर साबित हुआ है। काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं इस मेथड से लोग और सीखते भी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टीचरों से भी गुजारिश है कि जो टीचर हैं वो भी देखें ध्यान से। अगर आप इस वे में बच्चों को या वैसे लोगों को जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता बिल्कुल सिखाएंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा क ख ग घ का इंग्लिश। तो क ख ग घ का इंग्लिश आपने अगर सीख लिया है, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप अच्छी तरह से देख लो इसको और समझ लो, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने कहीं भी ए नहीं लिखा है, वो हम आपको बाद में चलकर अभी बताएंगे क्या करना है। तो जो इसका एक्यूरेट इंग्लिश होता है वही मैंने आपको लिखा लिख के दिया यहाँ पर, क का के ख का के एच जो भी यहाँ पर है सब आप पढ़ लेना, एक बार नज़र मार लेना। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंग्लिश जो हिंदी के अक्षर हैं उनका इंग्लिश जानना और फिर उनसे इंग्लिश बनाना। जैसे हम कोई भी नाम लेते हैं, ठीक है, करण लेते हैं, करण। ओके फ्रेंड्स, करण, आप इस तरह से तीन तीन अक्षर के बहुत सारे जो भी मन में आता है आप लिखते जाइए। मैं लिखते जाता हूँ करण, मदन, ये मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, कुछ हिंदी के तीन अक्षर वाले वर्ड्स हैं जिनको भी हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक स्टेप आप देखते जाओ और समझते जाओ। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप इंग्लिश एक हफ्ते में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, करण, तो क का इंग्लिश क्या है यहाँ पर हम देखेंगे, के है, अब इसके साथ हम ए लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, के ए क हो गया, फिर र है तो र के साथ भी हम ए लगाएंगे, आर ए, फिर अण है तो उसके साथ अण का क्या होता है यहाँ पर लिखा है एन है तो न, लेकिन हम लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में हम ए नहीं लगाएंगे। अब इसी तरह से मदन है यहाँ पर, तो म का एम ए, द का डी ए, न का एन। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे अक्षरों में लास्ट अक्षर को छोड़कर सारे अक्षरों में हम ए लगा कर लिखते जाएंगे। अभी तपन है तो तपन का टी ए पी ए एन। ओके फ्रेंड्स, आपको ए लगाना है, ये छोड़ना नहीं, आपको ए लगाना है, बस लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। अभी थपक है तो थ का इंग्लिश क्या होता है आप वहाँ पर देख लेना, थ का क्या इंग्लिश है, टी एच है, तो टी एच लिखेंगे, फिर ए, फिर प, क। खमण, तो ख का के एच ए एम और ए एन। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आप लिखते जाना। जहर, तो यहाँ पे जहर, ये जो ज होता है ये ज नहीं है, ये ज है, तो इसके लिए ज जो होता है जेड होता है, तो जहर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जे नहीं लिखेंगे, जिसको हम जहर बोलते हैं, अगर ये नुकता नहीं होता है, जहर होता है, यानी जहर बोलते हैं खाली जहर, तो वहाँ पे जे होता है, लेकिन ये जहर है, इसके लिए यहाँ पर जेड लिखेंगे, जहर। ओके फ्रेंड्स, मदद, म द द। लखन, एल ए, ख का के एच ए, फिर न का एन। घपच, तो घपच का जी जी एच ए, घ का इंग्लिश, फिर प का पी ए, फिर च का सी एच। छमक, छमक के लिए छ के लिए छ लिखेंगे, यानी कि सी डबल एच ए, फिर म, फिर क। ओके, यलद, तो य का वाई ए, ल का एल ए और द का डी। इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स खुद क्रिएट करने हैं। अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते तो मैं क्लास के एंडिंग में, जो वीडियो के एंड होगा, एंड तक आप वीडियो देखो, आप अंत में मैं होमवर्क के लिए इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स दूंगा, आप उसका इंग्लिश बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए तीन अक्षर वाले शब्द जिनका इंग्लिश बनाना अभी हमने सीखा कि किस तरह से बनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर अक्षर के साथ यानी हर लेटर के साथ ए लगाना है,
लास्ट वाले लेटर को छोड़कर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेटर में आप ये मत लगाना। अभी हम इन चार अक्षरों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, मर घट। ओके फ्रेंड्स, इसमें दो शब्द आते हैं, मर और प्लस घट। ओके फ्रेंड्स, मर और घट दो शब्द से मिलकर ये एक शब्द बना है, मरघट। जितने भी चार अक्षर वाले शब्द आते हैं उसमें दो दो शब्द से जुड़कर वो चारों शब्द बनते हैं, एक शब्द बनता है, तो मरघट। तो अब इसका हम इंग्लिश इसी हिसाब से लिखेंगे, मर, एम ए आर, मर। ये लास्ट हो गया र, इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाएंगे, अब घट लिखेंगे, तो जी ए टी, घट, मर घट। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, इसमें दो दो वर्ड्स हैं, यानी कि ये पन फिर ये घट, पन घट हो गया, तो इसमें दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके लिखना है, या आप एक साथ भी लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि मर घट जो दो अक्षर के बाद ख़त्म होता है उसके बाद ये नहीं लिखना है। जैसे पन घट हम लिख रहे हैं, पन, ये एक हो गया पन, फिर घट, अब यहाँ पर ये नहीं लिखना है, घट। ओके फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ये लगाएंगे तो इसका उच्चारण अलग हो जाएगा, पना घट ऐसा बोलना पड़ेगा, फिर पना घट, लेकिन यह है पन घट, पन घट, न पे हम रुकते हैं, तो जहाँ भी हम रुकते हैं वहाँ पर ए नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे, सरपत, सर और पत, बीच में ए नहीं लगेगा, बल बल, बल और बल, बीच में ए नहीं लगेगा, हलचल, हल और चल, बीच में नहीं लगेगा किसी में भी, समसम, समसम, सकबर, सकबर, हसरत, हसरत, पर्वत, पर्वत। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए चार अक्षर वाले वर्ड्स जिसको हमने हिंदी में लिखा और उसका इंग्लिश बनाना बताया आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये चार अक्षर वाले वर्ड्स भी आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। अभी उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो दूसरा कदम है वो इंग्लिश टू हिंदी होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिखेंगे, हिंदी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सीखेंगे अभी हम, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना भी सीखना है और इंग्लिश से हिंदी बनाना भी सीखना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अभी एक एक करके देखो। एल ए है, एल ए मतलब, एल ए कहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है, ल आ रहा है, ल पे एल, और ए तो ऐसे लगाते ही हम, तो यहाँ पे हो गया ल, फिर से एल ए है तो फिर से हम ल लिखेंगे, फिर एन है तो लास्ट में न, ललन। ओके फ्रेंड्स, सी एच है यहाँ पर, आप ए को ध्यान में मत रखो कि ए का मतलब, कई लोग ऐसा लिख देते हैं जैसे ललन यहाँ पे लिखा है ना, तो कई लोग ऐसा लिखते हैं ल फिर ए का अ फिर ल फिर से अ फिर न, ल अ ल अ न, उनको ऐसा लगता है कि ए का मतलब अ होता है तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे हिंदी में बनाना सिखाया बताया उसी तरह से आप इंग्लिश टू हिंदी भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये गलत होगा, तो ललन ऐसा लिखेंगे, फिर यहाँ पर सी एच है, सी एच का च होता है, फिर पी है, पी यानी पी ए प, फिर एल है तो ल, चपल, सघन, स, फिर जी एस से घ, फिर एन से न, सघन, आर है तो र, पी ए से प, टी से त, रपत या रपट भी लिख सकते हैं, वी ए से व, फिर एल ए से ल और एम से म, वलम। इसी तरह से हम लिखते चला जाएंगे, जी ए से ग, एल ए से ल, टी से त, गलत। अब ये चार चार अक्षर वाले हैं, चार वाले, तो मन, एम ए एन से मन हो गया, फिर सी एच च, फिर ल, मंचल, रमपत, तो र, म, प, त। मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ, आपको एक बार मैंने समझा दिया कि आर ए का र, एम का म, ये चार अक्षर वाला है, यानी कि चार इसमें लेटर हैं, मतलब हिंदी में चार अक्षर वाले, इसमें इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 हो जा रहे हैं, हिंदी में चार अक्षर आते हैं लेकिन इंग्लिश में 6 आते हैं, तो यहाँ पे र, म, प, त, रमपत। इसी तरह से प, ल, पल, पल,
उसके बाद ह र क त हरकत। सब रत सबरत सब रत। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम इंग्लिश से हिंदी करेंगे। तो इस तरह से हम उसके बाद लास्ट में हम आपको इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स लिख कर देने वाले हैं हिंदी में और फिर इंग्लिश में भी, उसका आप घर पे प्रैक्टिस करना। ओके फ्रेंड्स, आज के बाद अब हर क्लास में मैं आपको पढ़ाने के बाद लास्ट में होमवर्क के लिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए टास्क दूंगा, जिसको आपको करना है। आप इसको फॉलो करो, आप रोज मेरा वीडियो देखो, आप जो भी उसमें कहा जा रहा है आप वो करो। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप एक हफ्ते में इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे और पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तभी आप जो स्क्रीन पे आएगा आपके बोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड्स, उसको आप अच्छे से लिख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर तीन लाइन हिंदी का है और यहाँ पर तीन लाइन इंग्लिश का है। तो आपको ये हिंदी में जो लिखा है उसका इंग्लिश करना है और ये जो इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी करना है। आप घर पर प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही इजी वे है, इससे इजी वे और कोई नहीं हो सकता इंग्लिश सीखने का। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, न कि कहीं किसी किताब में मैंने फार्मूला पढ़ लिया और मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है इस तरीके से लोगों को पढ़ा के, और फिर ये तरीका काफ़ी कामयाब हुआ है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप एक बार लिख लो सारे के सारे, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, तो लिख लो, मैं हट जाता हूँ एक बार। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्लास मिस मत करना, रोज का रोज वीडियो देखना, आप प्रत्येक दिन आप वीडियो देखना, हर वीडियो देखना एवरी डे। अगर आप वीडियो देखते जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ फिर से कर रहा हूँ, कि आप एक हफ्ते में इंग्लिश लिखना और पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, वैसे अपने अपने इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी कैच करता है। ओके फ्रेंड्स, मेरे क्लास में भी आते हैं, कोई कोई दो दिन में ही सीख जाता है, कोई एक हफ्ते में भी, और किसी किसी को एक महीना भी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।